हमारे भारत देश में सभी जगहों पर हाईवे बनने से गाड़ियों की रफ्तार तेज होती जा रही है और जब रफ्तार तेज होती है तो दुर्घटना होने के मौके ज्यादा हो जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के एक युवक नितिन गुप्ता द्वारा एक ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे कि पंजाब के जिन जिन जगहों पर दुर्घटना ज्यादा होती है वो पहले से ही पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, ये ऐप पूरे पंजाब में आपको फोन पर मुफ्त मिलेगा और बहुत जल्द इसे पूरे भारत में शुरू कर दिया जाएगा। नितिन गुप्ता, मैं डायरेक्टर हूँ वेबमोब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का। ये आईटी बेस्ड कंपनी है, चंडीगढ़ की स्टार्टअप है। सर, आज जो आप लिख रहे हैं ऐप लिख रहे हैं, क्या ऐप का नाम है? वॉचआउट। सो वॉचआउट एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, एक फ्री एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने अमृतसर के कुछ ब्लैक स्पॉट्स डाले हैं जो अमृतसर द्वारा आइडेंटिफाइड हैं। तो ब्लैक स्पॉट्स जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनको हमने डाला। तो जैसे ही कोई भी इंसान जो गाड़ी चला रहा है उन पॉइंट्स के पास पहुंचने लगेगा, एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट करेगी कि कैसा एरिया आ गया जो ब्लैक स्पॉट, जो पुलिस द्वारा ब्लैक स्पॉट बोला गया, जहां मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। सो हमने ये एप्लीकेशन चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, लखनऊ और अब अमृतसर लॉन्च किया और आने वाले 2 महीने में हमारे पूरा पंजाब प्लान कवर करने का हमारा प्लान है। हमें इससे मेन फायदा हम ये चाहते हैं कि अगर जो टोटल एप्लीकेशन एक्सीडेंट्स होते हैं अगर उसमें मैं 10% भी कम कर पाऊँ, आई थिंक ये हमारी एप्लीकेशन को हम एक फिर एक सफल एप्लीकेशन मानेंगे। हमने मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी का ऑफिस है, उनको अपना प्रपोजल भेजा हुआ है, उनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो हम लोग शायद उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं इस एप्लीकेशन को लेकर। अभी आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी ने भी ट्वीट किया है कि ब्लैक स्पॉट्स के बारे में, तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि हमें सरकार से पूरा सपोर्ट मिलेगा।